जबलपुर में सुबह होते ही वाहनों की धमाचौकड़ी सड़कों पर दिखाई दे जाएगी। कहीं कोई चेकिंग पॉइंट नहीं है और जहां पॉइंट है भी वहां पुलिस नजर नहीं आती। आप चाहे तो अपने घर से सब्जी मंडी तक जा सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं, ना ही आपका चालान कटेगा। लेकिन हाँ, शाम ढलते ही चेकिंग पॉइंट पर तैनात पुलिस वाले हो जाते हैं, सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका निभाने लगते हैं। खैर, जिस प्रशासनिक व्यवस्था की जब कमान है वह भगवान भरोसे ही चल रही है तो फिर क्या कहें। पुराने रूटीन की तरह ही पुलिस अधीक्षक देर शाम दमोह नाका चेकिंग पॉइंट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरने वाले लोगों से पता साझी की। लेकिन दिन भर वह नजर नहीं आते, ना ही उनका महकमा नजर आता है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है, शायद इस पर लगाम लगाई जा सकती है। पुलिस अधीक्षक ने सीधा साधा संदेश भी दे दिया है कि हनुमान जयंती है और प्रोटोकॉल के तहत ही हमें घर में मनाएंगे, यानी मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजन करेंगे और आज चेकिंग पॉइंट पे दमन नाके पे अभी ये चेकिंग सुपरवाइज कर रहे हैं। अमूमन जो लोग हैं कोई आवश्यक कार्यों के लिए अभी तक निकलते पाए गए, जैसे कि आपने देखा कोई एक एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जा रहे थे, एक दवाई के कोई स्टॉकिस्ट हैं वो दवाई लेने करने जा रहे थे, रखने जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के अभी जितने परिलक्षित हुए हैं, जरूरी काम से निकलते हुए परिलक्षित हुए हैं, लेकिन कोई भी अगर अनावश्यक निकलेगा उसके विरुद्ध हम सब कार्रवाई कर रहे हैं। सर, हनुमान जयंती तो मंदिरों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही जो है त्यौहार मनाने का जो कोरोना प्रोटोकॉल जो शासन द्वारा निर्धारित एवं धारा 144 में जो है उसके तहत ही अलाउ किया जाएगा। उसमें मंदिर में पुजारी मात्र ही जो है आरती कर सकते हैं।